और ये देखो दोस्तों, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ भाई साहब। चलो चलकर देखते हैं और बात करते हैं भैया से। मैं खिला रही हो क्या? नहीं, भंडारा ऐसा लग रहा है, भंडारा चल रहा है, मतलब इतनी भीड़। अच्छा ऐसे ही चलता है। तो भाई आज हमें आगरा के सबसे फेमस बंटी छोले भटूरे वालों के यहाँ जो है अपने छोले भटूरों के लिए बेहद फेमस। भाई कितना समय हो गया दुकान को? हमारी दुकान को हो गया करीब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से इसी जगह पे चलाते हैं। ये अंकल जी, नमस्कार अंकल जी। पिताजी है आपके? कितने लोग काम करते हैं दुकान पे? 5-6 लोग। 3 तो भाई है, पिताजी है। मतलब कारीगरों की जरूरत ही नहीं है, सारा अपना खुद ही घर का परिवार है। अरे वाह। तो भैया चलो बताइए अपने पास क्या क्या आइटम है। छोले भटूरे, गुलाब है, चूरमे का लड्डू है, रायता है। चूरमे का लड्डू देख लो। ये छोले भटूरे की ठेल पे चूरमे का लड्डू का क्या रोल है जरा बताओगे? पड़ावे के बाद में तो मीठा खाते हैं, उसके लिए मीठा है। प्रॉपर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे आपको पुलाव वाला चावल मिल जाएगा, आगे से पन्नी लगा रखी है, कोई भी गंदगी ना आए। यहाँ पे आपको चूरमा लड्डू मिल जाएंगे। ये चूरमा लड्डू किस चीज से बनाए जाते हैं? बेसन का। छोले भटूरे की 40 रुपए प्लेट है। भटूरे तैयार हो जाते हैं, एक कढ़ाई इधर है और एक कढ़ाई उस तरफ भी है, जैसे कि आपको दिखा देते हैं। और सेटिंग की बात की जाए तो अंदर भी एक सेटिंग है और जिसको बाहर की तरफ खाना है वो बाहर भी खा सकते हैं। हैंड टू हैंड पैकिंग भी होती है, मसाले वाली मिर्ची मिल जाएगी, साथ में बेटिंग भी चलती रहती है। यहाँ पे 5 रुपए में आपको यहाँ रायता भी मिल जाएगा। पत्ते के ऊपर क्यों देते हो जरा बताओगे भैया? जो पत्तल के ऊपर अखबार से क्या टाइम होती है, इसलिए पत्तल लगा के देते हैं। छोले चावल 30 रुपए प्लेट है। 30 रुपए प्लेट है। जिसको छोले चावल खाना है वो छोले चावल खा सकता है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मैं तो यहाँ से 2-3 साल से खा रहा हूँ, मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुआ। मुझे छोले भटूरे फेवरेट है और यहाँ पे मुझे बहुत पसंद आता है। मुंबई वाला अच्छा टेस्ट नहीं लगा क्या? जो आगरा वाला अच्छा टेस्ट तो बिल्कुल टेस्ट नहीं है छोले भटूरे का, तो छोले भटूरे और कचौड़ी। और भाई साइड में आपको दिखा दें एक बार, लगातार काम चलता ही रहता है कुछ इस तरीके से। सुबह 11 बजे से भटूरे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और भाई एक बार देख लो भैया का स्टाइल, देख लो भटूरा बनाने का और एक साइड पे फेंकने का। ये देखो जी कितने भटूरे बना के तैयार कर लेते हैं एक बार। ये कौन सा स्टाइल है इस तरीके से फेंकने का? क्या नाम दिया है इस स्टाइल का? ये देखो क्या बात है, कुछ इस तरीके से कंटिन्यू भटूरे बना बना के देते जा रहे हैं भैया। लो जी फूल गया, ये आ चुका है। कौन सा वाला ऑयल है भैया? ये कौन सा रिफाइंड है? बिगोर रिफाइंड। ये कौन सा रिफाइंड होता है? आता है रायता। भैया ये पूरा ड्राम भर के लेकर आते हो रायता? ये देखो कितना ज्यादा गाढ़ा रायता है। कितने रुपए ग्लास मिलता है रायता अपने यहाँ? 5 रुपए का एक ग्लास, क्या बात है। तो भाई यहाँ पे रायता मिल जाएगा, बथुए का रायता। तो भाई यहाँ पे हम अपने लिए प्लेट लगवा रहे हो। ये आगे प्लेट कटोरी होता छोला, कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम साफ सफाई से ध्यान दिया जा रहा है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल घर जैसा बनाया गया है छोला। क्या बात है। और भैया ये चावल जो रखा है, ये अगर किसी को छोले के साथ चाहिए तो ले जाता है ना? चावल का अलग प्राइस होता है। और ये आ गया हमारा प्याज, और ये आ गया हमारा मसाले वाली हरी मिर्च, और यहाँ ऊपर से आता है अपना नींबू। यहाँ आ गए हमारे गर्मा गर्म बढ़िया से भटूरे। कितने भटूरे आते हैं? दो भटूरे हैं। कितने का तैयार होता है बनके? 40 रुपए का है। 40 रुपए की ये दोनों भटूरे, भैया मात्र 40 रुपए में आपको ये बढ़िया सी थाली मिल जाएगी। खाएंगे बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। कब से खा रहे हैं आप? तो फर्स्ट टाइम आई हूं। अच्छे लगे आपको? कहाँ से आए हैं आप? मैं तो नोएडा से आई हूं। और यहाँ पर देख लो भाई, एक बार चटनी लगातार कुछ इस तरीके से पैक होती जाती है। कुछ लोग यहाँ पर भी बैठ के साइड में भी खाते हैं। क्या खा रहे हो? लड्डू। कैसे लग रहे हैं लड्डू आपको? ये बहुत टेस्टी लग रहा है, मैं खाती रहती हूँ भैया के भटूरे। फाइनली मेरा आ चुका है छोले भटूरे की प्लेट, और साथ में आया है ये बढ़िया सा रायता जिसका प्राइस है मात्र 5 रुपए। 5 रुपए में आपको ये रायता मिल जाएगा, और 40 रुपए की प्लेट में आपको ये छोले भटूरे मिल जाएंगे। बेस्ट पार्ट ये कि पूरे आगरा में मैंने छोले भटूरे इतने खाए ना कि मुझे यहाँ जैसा तो कहीं नहीं दिखा। मतलब यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, पत्तल के ऊपर एक प्लेट दी गई है, और प्लेट के ऊपर ये पत्तल से दिया गया, पत्तल के ऊपर आपको ये दो भटूरे, चटनी, छोले, मिर्च और सलाद, और इसके साथ में आपको दिया जाएगा ये लेमन यानी कि नींबू। मतलब इस तरीके से आपने खाए हैं पत्ते के ऊपर छोले भटूरे। चलिए खाएंगे बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। भटूरे 5 मिनट हो गई ना, इसलिए थोड़े से डाउन हो गया है, लेकिन है बहुत गर्म। और जब निकल के आए थे तो आपने देखा था ये कितने ज्यादा फूले फूले भटूरे थे। फिर आ गए हमारे छोले, एक बार देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहे हैं छोले, एकदम घाड़े घाड़े से छोले हैं। प्याज, नींबू भी डाल देंगे, ये देखो
नींबू से ना बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा स्वाद इसका, और जब तक खट्टा ना हो और प्याज ना हो छोले भटूरे के साथ तब तक मजा नहीं आता दोस्तों। बहुत टेस्टी है छोले के साथ, जो छोले की ग्रेवी है ना ये तो बात ही अलग है। गरम मसाले, काली मिर्च, लौंग का जो फ्लेवर आ रहा है ना उसकी तो बात ही बहुत अलग है, मतलब बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। मेरे ख्याल से अगर आपको ना बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा है ना तो आप यहाँ पे ये छोले वाली ग्रेवी जरूर ट्राई कीजिएगा, जिसका स्वाद बहुत ही बढ़िया। आपको मेरे ख्याल से आपको सूप पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने ज्यादा अच्छा, एक ही कटोरे में ना आपका जुकाम सही हो जाएगा, इतनी अच्छी ग्रेवी है। साथ में आपको ये चटनी भी ट्राई कर सकते हैं। और भाई ये देखो 5 रुपए का रायता, इतनी महंगाई में रायता 5 रुपए का कौन ही देगा। बहुत ही बढ़िया रायता है, रायते के अंदर बूंदी है और बथुआ मिलाकर बनाया गया है, जीरा और साथ में जो हींग का फ्लेवर है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो हम जा रहे हैं इस पूरी थाली को फिनिश करने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप भी कभी आगरा विजिट कर रहे हैं ताजमहल घूमने का तो एक बार आगरा के बंटी छोले भटूरे वालों के यहाँ जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आगरा के ताजमहल का ट्रिप प्लान किया और बंटी छोले भटूरे नहीं खाए तो आपका आगरा का प्लान रह जाएगा अधूरा। ये खाना है ना आपको, तो भैया से पूछते भैया इसको खाने के लिए कहाँ आना होगा? शास्त्रीपुरम चौराया हरदेवी बाजार के पास, टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे तक। और इसके साथ ही अगर आपको मीठा खाना के शौकीन है तो आप साथ में यहाँ 10 रुपए का चूरमा लड्डू भी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नए प्लेस पर नए खाने के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।